युवान सुन त मारी बात युवान युवान सुन त सही युवान युवान बताओ तो सही मारे को बताओ ना घर जाना युवान को बस बस घर जाना है बंडी दुल्हन घर घर जाना है युवान युवान अपनी बंडी दुल्हन से भी छुपाओगे देख के ना चलता बावड़ा हो गए के इतनी मेहनत से मैंने फूल बनाए थे सारे बिगाड़ के रख दिए माफ कीजिएगा काकी सा इसने जानबूझ के ना किया ये छोरे के लिए कब तक तू लड़ती रहेगी दिमाग खराब करके रख दिया सुना सुना तुमने बनी दुल्हन युवान युवान सब कहते हैं मैं नहीं जा सकता दुल्हन आज तो सब घर पे सब ऐसे बावला बावला बुला रहे हैं ये तुम्हारी बस्ती में लोग बावला बावला बुला रहे अगर अगर मैं टीवी पे आया तो फिर तो पूरी दुनिया बोलेगी युवान बावला युवान बावला ना युवान देखो ना आज तुमने इतने सारे लोगों के सामने इतना अच्छा गाना गाया तो लोगों के सामने कहाँ गाया बनी दुल्हन युवान तो सब तुम्हारे लिए गाया सिर्फ सिर्फ तुम्हारे सामने मैं तो किसी को देख भी नहीं रहा था मैं ऐसे 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 गा रहा था और आँख बंद करके गा रहा था इतने सारे लोग होंगे कॉम्पिटिशन में कितने सारे लोग होंगे थोड़ी गा सकता युवान युवान जाने दे बेटा ना रोके से ये इस वक्त बहुत ही ज्यादा परेशान है ना दादा सर ये रास्ता हमें ईश्वर ने दिखाया है युवान के लिए कुछ करने के लिए दादो सा हमें इस रास्ते पे चलना होगा और कामयाबी पानी होगी मैं चाहती हूँ कि मैं युवान को इस रॉकस्टार वाले कंपटीशन में 100% भेज के रहूं मानूं कि ये एक बुझे चूल्हे पे पुलाव पकाने जैसा मुश्किल काम लगे पर दादो सा मैं ये करके दिखाऊंगी जिससे थारी मर्जी युवान की कंपटीशन से पहले थारी परीक्षा है देखने वाली बात यह है कि तू कैसे उसे मनावेगी और कैसे उसे कंपटीशन तक ले जावेगी देखो ना इन फोटोज में युवान के चेहरे पे इतनी बड़ी स्माइल है आज ना मुझे बहुत 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 अच्छा लगा पता है क्यों क्योंकि लाइफ में पहली बार युवान को इतने सारे इतने इतने प्यारे दोस्त मिले आहा युवान को ना इतने सारे प्यारे प्यारे बच्चों को युवान जैसा दोस्त मिला हाँ युवान कौन था दोस्त ना बनना चाहेगा आज इन बच्चों ने दोस्ती की है कल पूरी दुनिया युवान को अपना दोस्त बनाना चाहेगी पूरी दुनिया कैसे बनी दुल्हन पूरी दुनिया युवान को जानती भी नहीं दोस्त कैसे बनेगी भला युवान मैं जानू कि थारे अंदर उस कंपटीशन में गाने को लेकर थोड़ी झिझक है ना पर युवान अगर कोई अगर वगर नहीं बनी दुल्हन मैं समझ रहा हूँ मैं कोई कंपटीशन में नहीं जाने वाला कह दिया तो बस कह दिया बात खत्म युवान कोई कंपटीशन में ऐसे गाएगा नहीं अच्छा गाना ना सिर्फ बच्चों को सिखाना पर युवान हफ्ते में धारी म्यूजिक क्लास तो सिर्फ 3 ही दिन है कल तो है ही ना फिर बताओ बन्नी दुल्हन हाँ हम दोनों में बड़ा कौन है बताओ बताओ हम दोनों में बड़ा कौन है बोलो ना तुम हाँ तो बड़ों से ऐसे सवाल जवाब करते हैं बड़ों की तो बात मानी जाती है ना बन्नी दुल्हन वो तुम ही बाहर सबको सिखाती हो कि अरे युवान थारे से बड़ा युवान की रिस्पेक्ट करो युवान को आप कहो ऐसा को और यहाँ पे बन्नी दुल्हन मुझसे छोटी है फिर भी बन्नी दुल्हन मुझे को सुना रही है युवान ऐसा करो ये करो हाँ मैं मम्मा को जाकर तुम्हारी शिकायत लगा दूंगा मैं कहूंगा मम्मा हाँ मम्मा बन्नी दुल्हन जब से शादी हुई ना सिर्फ बिगड़े ही जा रही है और ये भी बताऊंगा कि तुम ना मुझे सिंगिंग कॉम्पिटिशन करवाने के लिए ना वो फोर्स कर रही हो कह रही हो युवान करना है शिकायत लगाऊं मैं अभी जाता हूँ
अच्छा अच्छा ना ना युवान 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 सॉरी सॉरी ये माफी किस बात की मांग रही है? दीजिए फाइल से आपके साइन। इसके ड्रामे कैसे बर्दाश्त करें? आपके पास कोई टैबलेट टैबलेट है मेरे सरदर्द के लिए? इसके सारे ड्रामे युवान के सामने ही होते हैं, लेकिन जब युवान ही साथ नहीं होगा तो इसके ड्रामे भी सहने नहीं पड़ेंगे। युवान साथ नहीं होगा मतलब? युवान को बन्नी से दूर करने का मैंने एक तरीका सोच लिया है। अच्छा बाबा, कुछ ना बोलूंगी, ठीक है? तुम खाना तो खा लो, आ जाओ खाना खाओ, बैठो खाओ। हाँ युवान, युवान को ना ये ऐसे ऐसे सीक्रेट रखना अच्छा नहीं लगता, सच्ची ऐसे सीक्रेट सीक्रेट। प्लीज युवान, तुम अपनी बन्नी दुल्हन के लिए इतना सहना कर सको? हाँ सुनो, हाँ युवान, सीक्रेट ये है कि थारे को इस सिंगिंग कंपटीशन वाली बात के बारे में किसी को ना बताना है। हाँ हंट, मतलब थारी मम्मा को भी ना बताना है। थारे को इस बात को ना अपने पेट के एकदम अंदर रखना है, ठीक है? सीक्रेट ठीक है बनी चलन, सिर्फ तुम्हारे लिए सीक्रेट खीर लाती हूँ घर में। सॉरी युवान, तारे भोलेपन का आज पहली बार फायदा उठा रही हूं, पर ये थारे अपने भले के लिए ही है। शंभू जी, ये रास्ता आपका ही दिखाया हुआ है, अब बस सुबह के लिए कोई जबरदस्त आइडिया दे दो कि मैं कैसे ले जाऊं युवान को ऑडिशन पे। जल्दी, मॉम को लेट हो रहा है, दो बार पूछ चुके कपड़ों के लिए, पलक ने आज फिर से नहीं उठाया मुझे। ओ वाओ, तुम्हारी नौकर है ना वो? क्यों, तुम्हारे कमरे में अलार्म नहीं है क्या, घड़ी नहीं है क्या? वो तो सुबह ठीक 5 बजे उठ के पढ़ाई कर रही है और कॉलेज भी चली गई, लेकिन तुम्हें देखो अभी भी यहीं पड़ी हुई हो। हाँ वाओ, क्या ही बोले हो। समो जी, ये युवान के ऑडिशन का फॉर्म है, इस पे अपना आशीर्वाद दे दीजिएगा। अब रात भर सोचने के बाद आपने जो मारे को आइडिया दिया ना, बस वो काम कर जावे। हाँ जय शिव शंभू। जी 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 सक्सेरिया सा। दादू सही है। हाँ मैं समारोह में आने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा भाई, आपका घना घना आभार भाई।
देख बन्नी। अगले हफ्ते से तेरे को आंगनवाड़ी स्कूल में भी तो टिफिन देना है, हैं? जो अगर ये छोरे का सिलेक्शन हो गया, तो दोनों को हम एक साथ कैसे संभालेंगे बेटा तू? दादा साहब, बने एक हाथ से टमाटर काट सके, तो दूसरे हाथ से लसन छील सके, हो जाएगा। पर अभी पहले टेंशन कुछ और है ना? हाँ, ये युवान ने राजी करना, है ना? वैसे उसके लिए भी शंभू जी ने ना हमारे दिमाग की कढ़ाई में एक मस्त आइडिया अप्लाई किया है। पहले एक बार वो फंटू सी सासुमा ऑफिस के लिए तो निकले, फिर देखना मैं कैसे मनाती हूँ युवान को। क्या प्लान के? जय समझी। क्या के प्लान है बता? दादू साहब, इस घर में अगर लोगों के दिल छोटे छोटे है ना, कान बहुत बड़े हैं, आपको बताऊंगी। पर अभी ना, अभी तो पहले मैं युवान को एक बार नाश से क्लिनिक चलाती हूँ, पर आप ना उसके सामने एकदम नॉर्मल रहना, ठीक है? और वो फंटू सी सासुमा को सीटी भी सुनाई ना देनी चाहिए कि हम कुछ पका रहे हैं। समझी? आशीर्वाद। बन्नी दुल्हन, मम्मा ने दिए कपड़े युवान को। अच्छा लग रहा है ना तुम्हारा पति? बनी दुल्हन, बनी दुल्हन, मस्त लग रहा हूँ ना? आज से युवान मेरे साथ, यानी अपनी मम्मा के साथ रोज ऑफिस जाएगा। विराज जी, डी जी, तुमने युवान का लूडो, उसकी कॉमिक बुक्स और वो वायलिन सब पैक कर दिया? रेडी। और मैंने तुम्हें कहा था कि उसका गेम रूम रेडी करने के लिए, इज इट रेडी? एवर रेडी। वो क्या है ना कि जब मामा मीटिंग में बिजी होगी तो युवान ऐसे फ्री थोड़ी ना बैठेगा, वो तो गेम्स खेलेगा, है ना? वादाई अम्मा, नया काम मुबारक हो। जाओ जाकर ऑफिस में संभालो अपने नए लाडले को। ऑफिस? युवान, युवान ऑफिस क्यों जाएगा? अपनी मामा के साथ रहने के लिए। अब युवान 24 घंटे बन्नी के पल्लू से थोड़ा बंध के रहेगा। अब युवान इज अ बिग बॉय ना? युवान जल्दी से जाके भगवान जी का आशीर्वाद ले लो, मम्मा लेट हो रही है। गो बेटा। हाँ। कल तुमने मुझसे युवान और उसका एक दिन छीना था, और आज मैं तुमसे युवान और उसके बहुत सारे दिन तुमसे छीन रही हूं। इतना तो बनता है ना बन्नी? ओह आई एम सॉरी, बन्नी दुल्हन। दादू साहब, अब कंपटीशन में भर्ती के बाद एक आज का ही दिन है, और अगर ये युवान ने ले गई ना तो मौका हाथ से निकल जाएगा। ये मौका युवान की जिंदगी बदलने वाला मौका है, इसे हम हाथ से निकलने ना दे सकते। बट समझ ना आ रहा इस फंटूसी मैडम से
पार कैसे पाऊं? मैडम, ये वाला बॉक्स था ना? हाँ। सुनो चार्मी, वो सिल्वर का एक डिनर सेट है जो हमारे मैनेजर ने किसी दिवाली में दिया होगा, और तुम्हें तो पता है ना कि हमारे किचन में इतना ज्यादा सिल्वर वेयर है कि कोई यूज ही नहीं करता। तुम्हें वो अपने मायके जाना था ना कुछ एक्सपेंसिव सा लेके, तो ये ले लेना। ये दे दो उनको। कुछ सोच बननी, कुछ सोच। युवान ने ऑफिस ना ले जाने दे सकूं? आज युवान ऑफिस ना जाएगा। क्यों पापा साहब? युवान ऑफिस क्यों नहीं जा सकता पापा साहब? क्योंकि मैं युवान और बन्नी ने एक खास समारोह में भेजना चाहूँ। क्योंकि मैं चाहूँ कि युवान और बन्नी जो है वो मुक्ति कंस्ट्रक्शन के मनोरंजन पार्क के भूमि पूजन में जावे। यो, जोधपुर से थोड़ी दूरी पर है, बहुत सारे फोन आ गए मेरे को कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बैठे मिनिस्टर साहब भी आने वाले हैं, मिस्टर नाइक। मैंने कहा भाई मारे से तो ना हो पाएगा, मैं बन्नी और युवान ने भेज दूंगा, तुम लोग जाके मिलाना है और मिनिस्टर साहब को मारी राम राम कह देना, उन्होंने हमारे बिजनेस बढ़ाने में बहुत मदद करी है बेटा। जी दादा साहब। आपने क्या कहा पापा साहब? मिस्टर नायक? मिस्टर नायक आ रहे? हाँ भाई। मैं हमारे माबिल के बिजनेस को बढ़ाने के लिए कब से उनसे एक अपॉइंटमेंट फिक्स करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अपॉइंटमेंट मिल ही नहीं रही है, और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी और पापा साहब आपने मुझे नहीं बताया, और बल्कि आप युवान और बन्नी को भेज रहे हैं, और ये दोनों वहाँ क्या करेंगे? जाके बस तालियां बजा के आ जाएंगे। ये हमारे लिए एक बिजनेस की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पापा साहब, इसमें तो मुझे जाना चाहिए। एग्जैक्टली। और वैसे भी ये बन्नी भाभी चाहो वहां जाके क्या करेंगी? अपना लाड दुलार एंड व्हाटएवर फ्री तो बांटेंगी। पापा साहब, आई नो कि आप बन्नी को प्रमोट करना चाहते हैं, लेकिन ये हमारे बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, तो इसमें सिर्फ मुझे ही जाना चाहिए। तो ये लाइए ना, ये विराज जी, इधर आओ, पकड़ो, लेट्स गो, लेट्स रॉक। हमारे रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर तो आपने हटा ही दिया। अब युवान को ऑडिशन में ले जाने के लिए सिर्फ 2 घंटे बाकी है, अब बस युवान को मनाना है। मना लूंगी। बन्नी दुल्हन, ये क्या किया तुमने? मैंने कहा था ना ये कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेना युवान को। फिर भी जाओ जाओ यहाँ से, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ये युवान कोई कंपटीशन में नहीं जाएगा। बन्नी भेंदड़ी, अब शुरू होगी तेरी असली परीक्षा। ये परीक्षा तो माननी को घर से भगाने से भी ज्यादा मुश्किल है। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।